नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार है और मैं एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हूँ। और मैं बोलो जिंदगी के माध्यम से आज आप सबके सामने अपनी कुछ चीज़ें मैं जो देख रहा हूँ वो बताना चाहूँगा। मैं पिछले 12 सालों से बच्चों के साथ काम ही कर रहा हूँ। अभी जो लॉकडाउन की परिस्थिति है हमारे बिहार में, और आप देख रहे हैं कि आज फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 दिनों का जो लॉकडाउन है फिर विस्तारित किया है, तो ऐसे हालात में बच्चों को लेकर के काफ़ी सारी दिक्कतें गार्जियन मेरे पास कॉल करके बता रहे हैं। कुछ गार्जियन का कहना है कि बच्चे बहुत ज़िद्दी हो गए हैं, मना करने के बावजूद भी वो फ्रिज का ही पानी पीना चाहते हैं और अपनी बात मनवाना चाहते हैं और कूलर में रहना चाहते हैं, एसी में रहना चाहते हैं। ये तमाम तरह के बच्चों से रिलेटेड कई सारे प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं। अलग अलग जिलों से लोगों ने प्रश्न पूछा है। कुछ बच्चे हैं जो काफ़ी ज़्यादा माता पिता की बात को मानना नहीं चाह रहे हैं और घर में लॉक, चूँकि चूँकि बाहर तो लॉकडाउन लगा हुआ है और बच्चे चाह रहे हैं कि वो बाहर जाके खेले, उनको माता पिता आउटडोर गेम में ले जाएं, उनको आउटिंग कराएं। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे भी ज़िद्दी हो गए हैं कि रात में उनका कहना होता है कि गाड़ी से घुमा दें या सड़क पर टहलाने ले चलें। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती होगी माता पिता को अपने बच्चों को देखभाल करने में, उनको इस वैश्विक महामारी और लॉकडाउन की स्थिति में उनको घर में रखना कितना मुश्किल लगता होगा, उनको घर में देखभाल करना कितना मुश्किल काम होता है। तो ऐसे हालात में जो बच्चे हैं उनके मन के ऊपर काफ़ी सारा एक दबाव भी हो रहा है। और कुछ बच्चे हैं जो आइसक्रीम खाने का और दूसरी वैसी चीज़ें खाने का जिद करते हैं जिससे उनका कफ और कोल्ड बढ़ जाता है। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए, मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं बच्चों के हैं, बच्चों काफ़ी सारे स्कूल के बच्चों ने भी मुझे क्वेश्चन किया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि बोलो जिंदगी जो चैनल है उनके हेड ने मुझे ये बताया कि बच्चों की समस्याओं को भी रखा जाए। तो मैंने ये कुछ रिसर्च किया है, कुछ बच्चों से मेरी जो चलती है काउंसलिंग के दौरान और जब मैंने बच्चों से बातचीत की तो उनके अंदर मैंने कुछ चीज़ें रीड किया है। जैसे बच्चे के मन में अभी काफ़ी ज़्यादा जो इनसिक्योरिटी की भावना देखने को मिल रहा है कि क्योंकि चारों तरफ आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है, तो हम सब बड़े भी कई बार अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ साधन रखे हुए हैं। जैसे अब मोबाइल या फिर हम बड़े लोग दूसरे लोगों से, अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड से बात कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को इस तरह का मौका नहीं मिल रहा है। बच्चे जो स्वतंत्र रहे हैं, बच्चों के का जो मन कोमल है वो अपने कोमल स्वभाव की वजह से जिद कर रहे हैं। तो ये माता पिता को ये इस बात को समझना चाहिए कि उनका बच्चा किस बात को लेकर ये जिद कर रहा है। अगर बच्चा पूरा एग्रेसिव है, अपनी बात मनवाना चाह रहा है, तो उस समय हम बच्चों को उनके इंटरेस्टिंग, जो उनका इंटरेस्ट है उन चीज़ों पर हम ले जाएं। जैसे कि बच्चे, हर बच्चा खास है, तो बच्चे के क्षमता के अनुसार, बच्चे की जो कैपेबिलिटी है, बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से अगर हम बच्चे से अगर बात करें, जब बच्चा शांत रहता है उस समय अगर हम बात करें तो बच्चे में देखिएगा कि वो आपसे खुलकर बात करना चाहेंगे। आप जैसे आप अभी पटना में तो आप देख सकते हैं कि फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट सिस्टम में लोग रह रहे हैं, खेलने का उतना जगह नहीं है। तो हम चाहें तो माता पिता बच्चों के साथ कुछ गेम अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसमें बहुत सारी कहानियों का कैरेक्टर हम बन सकते हैं और माता पिता एक खुद एक कैरेक्टर के रूप में अगर तब्दील हो जाए तो बच्चों को भी एक कैरेक्टर रोल प्ले करने के लिए कहा जाए, तो बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा एंजॉय फील करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि बच्चों को महामारी से होने वाले नुकसान की जानकारी भी
देने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे बच्चे ठंडे चीज़ खाने का, आइसक्रीम खाने का जो जिद कर रहे हैं, तो हम बच्चों को ठंडे चीज़ खाने से उनके गले को लेकर डराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको ये बात का जानकारी देना है कि ठंडा चीज़ खाने से और धूप की कमी से उनके गले में कुछ खराबी आ सकती है। ठंडा चीज़ डायरेक्ट जाने से उनका लंग्स या जो दूसरी चीज़ें हैं जो प्रभावित हो सकती हैं उनके फेफड़े में, अभी हम सब लोग फेफड़े को मजबूत बनाने के लिए बहुत सारा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बच्चों को उन सब एक्सरसाइज के बारे में बताते हुए कि क्यों वो ज़रूरी है, वो एक्सरसाइज उनके लिए क्यों ज़रूरी है, उनका फेफड़ा अगर मजबूत रहेगा तो किस कैसे वो अपनी ये वैश्विक महामारी से लड़ पाएंगे, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी माता पिता को बच्चे के साथ प्यार से डील करना चाहिए, उनको बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उनसे डील करना चाहिए। और एक बात और है कि बच्चे में जो अभी सोमैटिक कंप्लेंस, जैसे बच्चों की अगर जो बात अगर नहीं मानी जाती है तो बच्चे तरह तरह के बहाने करते हैं, जैसे अगर उनको पढ़ने के लिए कहा जाए तो कहेंगे कि पेट दर्द है, अगर उनको कोई काम करने के लिए कहा जाए तो उनका मोटर एक्टिविटी मतलब खेल कूद नहीं करने की वजह से जो उनका एक्टिविटी है वो मतलब गड़बड़ हो गया है, और तो ऐसी स्थिति में अगर हम बच्चों को हल्के फुल्के एक्सरसाइज करवाएं, जैसे बहुत सारा एक्सरसाइज है, जैसे डीप ब्रीथिंग का एक्सरसाइज है जो योग के माध्यम से भी हम उनको ट्रेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि स्कीपिंग, लड़कियों के लिए स्कीपिंग बहुत अच्छा चीज़ होता है कि वो अपना स्कीपिंग करें तो अपना स्टेमिना बरकरार रख सकते हैं, और माता पिता को चाहिए कि घर में एक ऐसा माहौल बनाए कि जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हों, जैसे खाना बन रहा है तो किचन में माँ भी अपने बच्चों को वहाँ इन्वॉल्व करें, वो उनको बताएं कि कैसे खाना बनता है, तो बच्चे उन चीज़ों को देखेंगे तो एक इंगेजमेंट आएगा, फिर जो रेसिपी आप बना रहे हैं तो उसकी पूरी विधि बच्चों के साथ अगर शेयर करते हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट और जो वर्तमान कंडीशनिंग जैसे बाहर जाने की जिद कर रहे हैं तो उनको इंटरेस्ट आएगा कि अभी तक जो चीज़ वो खा रहे थे, जो चीज़ माता बना के उनको दे रही थी तो उस वो कैसे बनता है, तो बच्चे का जो क्यूरिसिटी है वो बढ़ेगा, तो वह बच्चा बाहर जाने की जिद नहीं करेगा। धीरे धीरे आप हर चीज़, जैसे अगर फादर ऑफिस का काम घर पर कर रहे हैं तो थोड़ी देर बच्चे के लिए आप टाइम देते हैं, बच्चे को अपने ये बताते हैं कि कैसे आप अपने ऑफिस का काम घर पर कैसे कर रहे हैं, इसके लिए आपने कौन से माध्यम सेलेक्ट किया है और आप इस काम को कैसे पूरा कर पा रहे हैं, तो बच्चे का जो क्यूरियोसिटी है वो बढ़ेगा आपके काम में और वो फिर आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो आपकी आपके काम की गंभीरता को समझने की कोशिश करेंगे और आपके काम में हेल्प ही करेंगे। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे में जो इनसिक्योरिटी की भावना है उसमें आप अपने बच्चों को कहानियाँ सुना सकते हैं, माता पिता अपने छात्र जीवन की कहानियाँ अपने कहानियों को बता सकते हैं जो उनके साथ जो लाइफ इवेंट्स अच्छे हुए हैं। बच्चों को इस समय अगर दादा दादी का साथ मिलता है तो ज़रूर बच्चों को दादा दादी के साथ या बुज़ुर्गों के साथ ज़रूर रखना चाहिए, और बुज़ुर्ग के माध्यम से बच्चे का संपूर्ण विकास संभव है। आप जो बुज़ुर्ग अगर बच्चों से थोड़ी बात करते हैं, उनको जो बीते हुए इतिहास के बारे में और अपने ज़िंदगी के बारे में जब बुज़ुर्ग बताते हैं तो बच्चे को इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिल सकता है। जिन घरों में बुज़ुर्ग नहीं हैं वहाँ माता पिता अपने जीवन के अच्छे दिनों की बातों को अगर बताएंगे तो बच्चे में इसका भी प्रभाव काफ़ी उन्नत तरीके से पड़ता है और बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। आप सब जानते हैं कि बच्चों का पिछले 1.25 सालों से स्कूल बंद है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और बच्चे ना ही अपने दोस्तों से मिल पा रहे हैं और ना ही अपने टीचर से मिल पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं लेकिन जो टीचिंग का एक्सप्रेशन है वो ऑनलाइन के थ्रू बच्चे उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे पढ़ रहे हों तो पढ़ाई के दरमियान जो 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 अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है उसके बारे में बच्चों को ये ज़रूर जानकारी देनी चाहिए
जो आपका बच्चा ये ऑनलाइन क्लास कर रहा है वो क्यों ये लागू हुआ है, क्यों ऑनलाइन क्लास स्कूल से करवाया जा रहा है, इसकी क्या उपयोगिता हो सकती है, और बच्चों को उसके इम्पोर्टेंस को बताना चाहिए कि हर क्लास उनके लिए, हर ऑनलाइन क्लास उनके लिए आज के समय में कितना ज़रूरी है, ये बताना बहुत उपयुक्त रहेगा कि आपका बच्चा अगर एक दिन रही क्लास अगर मिस करता है तो इसमें उसके पाठ्यक्रम पीछे हो सकते हैं और वो पढ़ाई लिखाई का जो उसका जो टाइमिंग है वो गुजर सकता है। आपको बच्चों का उचित समय प्रबंधन भी कराना चाहिए। जैसे आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे माता पिता भी लेट से सो रहे हैं और लेट से जग रहे हैं, ऐसा बच्चों के साथ बिल्कुल ना करें। जो रूटीन है, जो पहले से चला आ रहा है रूटीन, उस रूटीन को ज़रूर मेंटेन करें, और इसमें बच्चों की सेहत को देखने के लिए सबसे पहले कुछ बच्चे हैं जो शिकायतें मिल रही हैं कि वो 10 11 बजे उठ रहे हैं और सोने का उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, तो ऐसे में ओवरवेट होने का भी चांसेज है। अचानक खा रहे हैं, सो जा रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो सोने उठने खाने पीने का कोई जब रूटीन अच्छा नहीं रहेगा तो वैसे में बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। तो सबसे पहले माता पिता को यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि वो बच्चों का जो रूटीन है, जो नियमित रूटीन है, उसको ज़रूर फॉलो करवाएं। नियमित रूटीन और एक्सरसाइज के साथ साथ बच्चे अगर माता पिता के साथ घुल मिलकर बैठें, बच्चों से अगर बात की जाए, बच्चे के प्रॉब्लम को डिस्क्राइब किया जाए, और जो भी काम अभी जो सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है, जो जो फॉलो करने के लिए स्कूल से बोला गया है, अगर उसका इम्पोर्टेंस, उसके फायदे, जो फायदे से बच्चों को अगर परिचित करा दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में बच्चे में इंसाइट डेवलप होगा और वो फिर किसी भी तरह का परेशानी का सबब माता पिता के लिए नहीं पैदा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ टेक्निक्स हैं। जैसे थोड़ा सा और भी मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आपका बच्चा इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर नहीं संभल रहा है तो ज़रूर आपको अपने आप को बदलना चाहिए, माता पिता को ही अपने स्वभाव में बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि किसी भी ताकत के बल पर बच्चों को बदलना उचित नहीं है। अगर बच्चों के क्षमता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार अगर हम बात करें तो बच्चा उन सब चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझेगा और उस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से फॉलो करेगा। तो मैं समझता हूँ कि माता पिता और पूरा परिवार अगर बच्चे के लिए अगर 2 मिनट समय निकाले और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने की कोशिश करें, बच्चों के क्षमता के अनुसार ही समझने की कोशिश करेंगे तो बच्चे की काफ़ी सारी समस्याएं सोल्व हो जाएंगी और बच्चा आपका ज़रूर आपका बात मानेगा। और मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोग लॉकडाउन का पालन ज़रूर करें, खुद करें और बच्चों को भी लॉकडाउन का पालन करवाएं, और इस वैश्विक महामारी के बारे में बच्चों को ज़रूर जानकारी दें। धन्यवाद।